नेट के सिलेबस में दर्शन भाग से अब महामहोपाध्याय लौगाक्षी भास्कर प्रणीत अर्थसंग्रह के ऊपर चर्चा की जाएगी और अर्थसंग्रह में जिस भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जो भी विषय उसमें है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके मंगलाचरण में कहते हैं कि वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षी भास्कर कुरुते जैमिनी नये प्रवेशाया अर्थसंग्रहम। कि मैं लौगाक्षी भास्कर कुरुते माने रचना कर रहा हूँ अर्थ संग्रहम, अर्थ संग्रह की, कि मैं लौगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह नाम के इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। और रचना करने से पहले मैं वासुदेवम रमाकांतम नत्वा, ठीक है, जो लक्ष्मी के वल्लभ हैं, लक्ष्मीपति हैं वासुदेव, उनको नमस्कार करता हूँ। तो लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के वल्लभ विष्णु को नमस्कार करके मैं अर्थ संग्रह की रचना कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ? जैमिनी नये प्रवेशाय अर्थ, ठीक है। जैमिनी नये माने शास्त्र, जैमिनी माने जो जैमिनी के द्वारा बनाया गया मीमांसा शास्त्र है, ठीक है। जैमिनी दर्शन में, मीमांसा दर्शन में प्रवेशाय अर्थ, प्रवेश के लिए मैं लौगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह की रचना कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ ये निकला कि वासुदेव जो कि रमाकांत हैं, जो कि लक्ष्मी वल्लभ हैं, उन लक्ष्मीपति वासुदेव विष्णु को नमस्कार करके मैं लौगाक्षी भास्कर जैमिनी नये प्रवेशार्थम, जैमिनी नये, जैमिनी शास्त्र, मीमांसा दर्शन में प्रवेश के लिए अर्थ संग्रह की रचना कर रहा हूँ, ठीक है। आगे कहते हैं कि अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनि धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणिनाय। कि जो कि बहुत कारुणिक है, बहुत दयालु, ठीक है, बहुत दयालु कौन है? भगवान जैमिनी। तो भगवान जैमिनी जो कि बहुत दयालु हैं, उन्होंने धर्म विवेकाय, धर्म के विवेक के लिए, ठीक है, विवेक माने होता है कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान, सही और गलत का ज्ञान, धर्म और अधर्म का ज्ञान। तो धर्म का अधर्म से पृथक रूप में ज्ञान कराने के लिए, ठीक है, धर्म विवेकाय, धर्म विवेकाय का मतलब धर्म का अधर्म से पृथक रूप में, अलग रूप में ज्ञान कराने के लिए द्वादश लक्षणीम, ठीक है, जो 12 अध्यायों वाला जो मीमांसा दर्शन है उसका प्रणिनाय, उसका उन्होंने, उसकी उन्होंने रचना की, उसका प्रणयन किया। अथ शब्द यहाँ पर प्रारंभार्थक है। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रारंभ में सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जो सबसे दयालु जो भगवान जैमिनी हैं, उन्होंने धर्म के विवेक के लिए द्वादश लक्षणीम प्रणिनाय 12 अध्यायों वाले मीमांसा दर्शन का प्रणयन किया। अब जो मीमांसा सूत्र है दरअसल जैमिनी का, उसमें 16 अध्याय पाए जाते हैं। मीमांसा सूत्र जो है वह 16 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है, लेकिन ये जो लौगाक्षी भास्कर हैं ये उसमें केवल 12 अध्यायों को ही जैमिनी की रचना मान रहे हैं। इसीलिए लौगाक्षी भास्कर ने जैमिनी की रचना को द्वादश लक्षणी अर्थात 12 अध्यायों वाली ऐसा कहा है यहाँ पर। आगे कहते हैं तत्र आदव धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास। तो तत्र आदव उन उस द्वादश लक्षणी में, आदव माने सबसे पहले, आदि में सबसे पहला जो सूत्र है उसमें कह रहे हैं धर्म जिज्ञासाम, धर्म की जिज्ञासा को, ठीक है, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, धर्म की जिज्ञासा को सूत्रयामास माने सूत्रबद्ध किया, सूत्रों में स्थापित किया, सूत्रों में रचा, ठीक है, धर्म की जिज्ञासा को सूत्र में बताया। और सूत्र कौन सा था? अथातो धर्म जिज्ञासा इति, ठीक है। जो द्वादश लक्षणी है उसका पहला जो सूत्र है वह है अथातो धर्म जिज्ञासा, ठीक है। तो इस सूत्र के द्वारा धर्म की जिज्ञासा को उन्होंने सूत्रबद्ध किया, सूत्र रूप में प्रस्तुत किया। कहाँ पर? तत्र आदव उस द्वादश लक्षणी के आरंभ में। अब ये जो सूत्र बताया गया था तो धर्म जिज्ञासा, उस सूत्र में अथ शब्द जो है उस अथ शब्द का अर्थ है वेदाध्ययन के पश्चात। अब अथ शब्द नहीं, अब यह जो सूत्र यहाँ पर बताया गया था तो धर्म जिज्ञासा, इसमें अथ शब्द जो सबसे पहले प्रयोग किया गया है इसके अनेक अर्थ हैं। कहीं पर इसे प्रारंभार्थक माना जाता है, कहीं पर इसे पश्चात अर्थ में माना जाता है, कहीं पर इसका अर्थ इसके पश्चात माना जाता है, ठीक है, कहीं पर इसको मंगलार्थक माना जाता है।
ठीक है, लेकिन अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र में जो अथ शब्द आया है इसका क्या अर्थ है? तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र में जो अथ शब्द है उसका मतलब है आनंतर्य, मतलब कि इसके बाद हमें धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो किसके बाद? वेदाध्ययन के पश्चात, वेदाध्ययनानंतर्य वचन है। ठीक है, अत्र माने इस सूत्र में अथ शब्द है, अथ शब्द का जो अर्थ है जो वो है आनंतर्य। और किस चीज़ का आनंतर्य? वेदाध्ययन का आनंतर्य, कि वेद के अध्ययन के बाद हमें धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरा शब्द इस सूत्र में है अतः। ठीक है, अथातो इसमें दो शब्द हैं अथ और अतः। अथ शब्द का मतलब बता दिया आनंतर्य, और दूसरा शब्द है अतः, उसका क्या अर्थ है? तो अतः शब्दो ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते स्वाध्यायो अध्येतव्यः। ठीक है, अब इस संसार में दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक तो जो हम करते हैं और उन्हें हमें उनका फल तुरंत दिख जाता है, जैसे हमने खाना खाया और हमारी भूख मिट गई। ठीक है, तो ये तो उसका दृष्ट फल हो गया, दृष्ट अर्थ हो गया। ठीक है, हमने परीक्षा में अच्छी मेहनत की और हम अच्छे अंकों से पास हुए, तो ये इसका दृष्ट फल हो गया। और दूसरे कर्म जो होते हैं उनमें दृष्ट फल नहीं होता, उनका फल अदृष्ट होता है। जैसे हमने यज्ञ किया और किसी ने कहा कि यज्ञ करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो हमने यज्ञ किया तो उसका फल जो है हमें तुरंत नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। इसका मतलब वह जो कर्म है, यज्ञ जो कर्म है, वह अदृष्ट फल वाला हो गया। तो जो वेदाध्ययन जो कर्म हम कर रहे हैं, यह क्या दृष्ट फल वाला है या अदृष्ट फल वाला है, इसका प्रश्न उठा। और वहाँ पर उन्होंने बताया कि अतः शब्द का मतलब यही है कि तुम्हारा वेदाध्ययन जो कर्म है यह दृष्टार्थ है, इसका जो अर्थ है, इसका जो फल है वह दृष्ट है। ठीक है, क्योंकि एक विधिवाक्य है, एक विधिवाक्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, स्वाध्यायो अध्येतव्यः। ठीक है, कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय हेतु हमें वेद को पढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब अपनी अपनी शाखा के वेद का अध्ययन हमें करना चाहिए। अब यह एक विधि है जो कि यह बताती है कि वेद को पढ़ो, जो विधान करती है इस तरह का कि वेद को पढ़ो। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अध्ययन रूप कर्म का जो फल है वह दृष्ट है या अदृष्ट है। ठीक है, अध्ययन का मतलब यहाँ पर याद सिर्फ और सिर्फ रटना है यहाँ पर, कि मतलब हमें वेद की अक्षर राशि ग्रहण हो जाए। गुरु ने जो वेद का उच्चारण किया उसका अनुच्चारण मात्र ही, ठीक है, उसका हम अनुच्चारण करें। गुरु ने जो उच्चारण किया हम उसका अनुच्चारण करें, मतलब जो गुरु ने बोला सेम टू सेम उसी को वापस बोलें, इतना मतलब है अध्ययन शब्द का मतलब यहाँ पर। जैसा गुरु उच्चारण करे हम वैसा ही उनका अनुकरण करें, सीख लेना मात्र, रट लेना मात्र, यही वेदाध्ययन कहलाता है। अब वेदाध्ययन तो हमने कर लिया और हमें विधि बताती है कि स्वाध्याय और अध्येतव्य अपने अपने शाखा का अध्ययन करना चाहिए। तो इस तरह की जो अध्ययन विधि है इसमें ये बताया गया है कि इस अध्ययन का दृष्ट प्रयोजन जो है वह अर्थ ज्ञान है, अर्थ ज्ञान रूप। तद अध्ययनस्य, उस अध्ययन का जो दृष्ट प्रयोजन है, जो फल हमें दृष्ट दिखाई दे रहा है, वो इस वेद का अर्थ ज्ञान है। व्यवस्थापनात्, ऐसी व्यवस्था होने से, ऐसा होने से। ठीक है, और यथाच वेदाध्ययनानंतरम, यह तो अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम, क्योंकि उस वेद के अध्ययन का दृष्ट प्रयोजन उसका अर्थ ज्ञान है, इसीलिए हमें वेद के अध्ययन के बाद, वेदाध्ययनानंतरम, वेद के अध्ययन के बाद हमें उस प्रयोजन को, उस हेतु को पाने के लिए, जो कि क्या है, वेदार्थ है, मतलब कि धर्म है, धर्म अर्थात वेदार्थ। ठीक है, जो कि उसका प्रयोजन है, जो कि उसका दृष्ट प्रयोजन है, उसको, उस वेदार्थ को, उस धर्म को जानने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कर्तव्य इति शेष है, मतलब सूत्र में कहा गया है अथातो धर्म जिज्ञासा, उसके बाद एक पद नहीं दिया गया है कर्तव्य, तो उसको हम स्वयं से जोड़ लेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि कर्तव्य इति शेष है, वहाँ पर ये जोड़ देना चाहिए कर्तव्य, कि अथातो धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, कि अब जो है हमें वेद के अध्ययन के बाद उसके दृष्टफल होने के कारण, वेदार्थ के उसके दृष्टफल होने के कारण हमें धर्म की, मतलब उस वेदार्थ की जिज्ञासा या फिर उस वेदार्थ को जानने की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा। अब जिज्ञासा जो है वो हो जाती है, वो करते नहीं हैं हम। ठीक है, एक तो कोई कार्य है हम उसे करेंगे,
कार्य को करते हैं, ठीक है, लेकिन जिज्ञासा हम करते नहीं है, जिज्ञासा हो जाती है। अब जब जिज्ञासा कर्तव्य यहाँ पर लिखा गया है तो जिज्ञासा करनी चाहिए, यह इसका अर्थ हुआ। अब जिज्ञासा तो की नहीं जाती तो मुख्य अर्थ बाद हो गया, तो हमने लक्षणा लाई और लक्षणा के आने से जिज्ञासा की जगह हमने विचारे कहा कि हमें जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा, जिज्ञासा पद का मुख्य अर्थ बाद हो गया और हमने दूसरा पद रख दिया वहाँ पर विचारे, कि विचार करना चाहिए। अब वेद के अध्ययन के बाद हमें उसके दृष्टार्थ दृष्ट प्रयोजन को जानने के लिए, दृष्ट प्रयोजन जो दिख रहा है हमें उसको पाने के लिए धर्म के विषय में विचार करना चाहिए, वेदार्थ के विषय में विचार करना चाहिए, ठीक है। तो जिज्ञासा पद में लक्षणा किस तरह से है, क्योंकि जिज्ञासा हो जाती है की नहीं जाती, तो जिज्ञासा कर्तव्य में अर्थ निकला, जिज्ञासा की जानी चाहिए, तो मुख्यार्थ बाद हो गया, जिज्ञासा तो होती है की नहीं जाती, तो जिज्ञासा पद को हमने मुख्यार्थ हटा दिया और दूसरा अर्थ लेकर आए लक्षणा से विचारे, तो हमें धर्म के विषय में, हमें वेदार्थ के विषय में विचार करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं, अतो धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम इति, शास्त्रारंभ सूत्रार्थ है। तो इस सूत्र का अर्थ ये हुआ, जो कि शास्त्र का आरंभ कर रहा है, मीमांसा शास्त्र का आरंभ जिस सूत्र से हो रहा है, था तो धर्म जिज्ञासा, उसका अर्थ ये निकला कि अब हमें धर्म विचार शास्त्रम, ठीक है, धर्म के विचार से संपन्न यह जो शास्त्र है इसको आरंभ करना चाहिए, यह आरंभ किए जाने योग्य है, यह इसका पूरा अर्थ निकला, ठीक है। तो इस प्रकार मीमांसा दर्शन के प्रारंभिक सूत्र का अर्थ यहाँ पर बताया गया कि धर्म के विचार से संपन्न यह जो शास्त्र है मीमांसा का, उसको प्रारंभ किया जाना चाहिए या फिर यह प्रारंभ किए जाने योग्य है। अब यहाँ तक अर्थ, अतः और जिज्ञासा, इन तीन शब्दों की व्याख्या ग्रंथकार ने अच्छी तरह से कर दी। अब धर्म के स्वरूप का निरूपण यहाँ से किया जा रहा है कि धर्म क्या है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, जो सूत्र में जो भी पद आए थे, अथ, अतः, धर्म, जिज्ञासा, इनमें से अथ, अतः और जिज्ञासा पद को तो बता दिया, लेकिन धर्म के बारे में नहीं बताया। तो धर्म अब क्या है, उसके बारे में यहाँ पर विचार किया जा रहा है। तो अब प्रश्न ये उठा कि धर्म क्या है, ठीक है, अथ को धर्म, धर्म नाम की चीज क्या है और किम चतस्य लक्षणम, और उसका लक्षण क्या है, ठीक है, धर्म क्या है और उस धर्म का लक्षण क्या है, ऐसे प्रश्न यदि किए जाएंगे तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि उच्यते यागादिरेव धर्म, कि याग आदि क्रिया जो है, यज्ञ आदि क्रियाएं जो है, वही धर्म है और इसका लक्षण है, तल्लक्षणम वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, ठीक है, कि वेद प्रतिपाद्य हो, प्रयोजनवान हो, अर्थ ऐसी क्रिया जो होगी वह धर्म कहलाएगा, ठीक है, ऐसा यज्ञ जो होगा वह धर्म कहलाएगा, ठीक है। अब लक्षण जो है वह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव तीनों दोषों से रहित होना चाहिए, तभी वह लक्षण कहलाएगा, नहीं तो वह दूषित लक्षण हो जाएगा और दूषित चीज़ लक्षण नहीं बन सकती, ठीक है। तो उसी लक्षण को अब उस लक्षण की परीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों की तीन तरह की प्रवृत्ति होती हैं, सबसे पहले उद्देश्य, फिर लक्षण और परीक्षण। उद्देश्य में नाम मात्र बता दिया जाता है वस्तुओं का या तत्वों का, जो भी विषय उसमें स्थापित किया जा रहा है, उसके बाद उसका लक्षण किया जाता है और अंत में परीक्षण किया जाता है। अब पहले धर्म बता दिया उद्देश्य रूप में, ठीक है, था तो धर्म जिज्ञासा, अब उसका लक्षण बताया गया, वेद प्रतिपाद्य है, प्रयोजन व अर्थो धर्म है, अब उसका परीक्षण कर रहे हैं कि यदि इस लक्षण में हम प्रयोजनवत शब्द नहीं रखते तो क्या होता, प्रयोजनवत शब्द हमें क्यों रखना पड़ा। तो कह रहे हैं प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय, ठीक है, मतलब प्रयोजन में और प्रयोजनवान में फर्क होता है। कोई व्यक्ति धनी हो सकता है लेकिन स्वयं धन नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो धर्म है वह प्रयोजनवान तो है लेकिन स्वयं प्रयोजन नहीं है। धर्म प्रयोजनवान है और इसके प्रयोजन क्या हैं, स्वर्ग आदि, ठीक है, स्वर्ग जो है धर्म का प्रयोजन है और धर्म जो है वो प्रयोजनवान है, प्रयोजन वाला है, ठीक है। तो कहीं धर्म को ही तुम प्रयोजन न मानने लग जाओ, प्रयोजन वाले को प्रयोजन न मानने लग जाओ, इसीलिए यहाँ पर प्रयोजनवत शब्द रखा गया,
स्वर्ग आदि में धर्म का लक्षण न चला जाए, इसलिए यहाँ पर प्रयोजनवत अर्थ शब्द रखा गया। ठीक है, और एक पद रखा गया है वेद प्रतिपाद्य। तो संसार में हम जितने भी क्रियाएं करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने को भी फिर यज्ञ धर्म कह दिया जाएगा, है ना। तो उसे भी धर्म न कह दिया जाए, हर वह तो स्वाभाविक कार्य है। तो हर किसी कार्य को जो भी हम करते हैं समाज में जीवन में, हर कार्य को धर्म न कह दिया जाए, इसीलिए कहा गया वेद प्रतिपाद्य है कि वेद में प्रतिपादित, वेद में वर्णित जो होगा उसी को धर्म कहेंगे। ठीक है, और अर्थ है माने क्रिया, तो ऐसी क्रिया जो वेद में प्रतिपादित होगी और प्रयोजन वाली होगी उस क्रिया को धर्म कहेंगे, धर्म इति। ठीक है, अब याग जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो अच्छे फल वाले और कुछ बुरे फल वाले भी होते हैं। जैसे श्येन याग जो है वो बुरे फल वाला है, शत्रु को मारने के लिए श्येन याग किया जाता है, लेकिन शत्रु का नाश तो हो जाता है और सुखद फल तो है, लेकिन श्येन याग करने वाले को बाद में प्रायश्चित के लिए भी कोई यज्ञ करना पड़ता है, क्योंकि श्येन याग करने वाले को भी फिर बाद में नर्क मिलता है। तो नर्क मिलेगा तो दुख होगा, ठीक है, वह तो जो है गलत परिणाम वाला हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि अर्थ है, अर्थ का मतलब है ऐसी क्रिया जो सुखद परिणाम वाली हो। ठीक है, श्येन याग आदि में यह धर्म का लक्षण न चला जाए। श्येन अनर्थ फल कत्वात् अनर्थ भूते, अनर्थ फल को देने वाले अनर्थ भूत जो श्येन याग आदि हैं उसमें अतिव्याप्ति इस लक्षण की न हो जाए, इसीलिए यहाँ पर शब्द रखा गया अर्थ। मतलब सुखद परिणाम वाला जो यज्ञ होगा, जो वेद प्रतिपाद्य होगा और प्रयोजन वाला होगा, वही धर्म कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लोगाक्षी भास्कर ये बता रहे हैं कि जो अभी धर्म का लक्षण मेरे द्वारा बताया गया, वेद प्रतिपाद्य है, प्रयोजनवद अर्थो धर्म है, और जो मीमांसा सूत्र में, जैमिनी सूत्र में भगवान जैमिनी के द्वारा जो लक्षण बनाया गया है धर्म का, वो है 14 लक्षणों अर्थो धर्म है। तो एक लक्षण जो जैमिनी सूत्र में दिया गया है धर्म का, और एक लक्षण जो अभी मैंने बताया, ये दोनों लक्षण जो है धर्म के ही हैं और इनमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। इस बात को बताने के लिए, सिर्फ इतनी सी एक गलतफहमी को दूर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया कि मेरे द्वारा बनाया गया लक्षण और जैमिनी, भगवान जैमिनी द्वारा बनाया गया लक्षण जो है वो दोनों परस्पर विरुद्ध नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि न च 14 लक्षणों अर्थो धर्म है इति सौत्र तल लक्षण विरोध है। इस सूत्र के साथ जो लक्षण मैंने बनाया है, वेद प्रतिपाद्य है, प्रयोजनवद अर्थो धर्म है, इस लक्षण का कोई विरोध नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब ये 14 पद है, इसका मतलब होता है प्रेरणा देना। ठीक है, चुद प्रेरणे धातु है, जैसे आपने गायत्री मंत्र में भी पढ़ा होगा धियो यो नः प्रचोदयात्, कि वह जो परम शक्ति है वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि 14 पदस्य विधि रूप वेद एक देश परत्वात् इति वाच्यम, कि वेद के 5 भाग हैं, विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद, और ये जो इस लक्षण में पद है ये वेद के केवल एक भाग, जो पहला भाग है विधि, उसके बारे में ही बता रहा है। विधि रूप वेद एक देश, वेद का सिर्फ एक देश मतलब एक भाग जो कि विधि रूप है, उसके बारे में ही सिर्फ बता रहा है। एक देश परत्व है, बस ये एक देश तक ही व्याप्त है, केवल विधि रूप में ही व्याप्त है, और तुम्हारा जो लक्षण है वो संपूर्ण वेद को व्याप्त कर रहा है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थोधर्म है तुम कह रहे हो, और इसमें जो ये पद दिया हुआ ये केवल एक वेद के भाग को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए तुम दोनों का लक्षण जो है सेम नहीं हो सकता। जैमिनी का लक्षण वेद के केवल एक भाग को बता रहा है, और लोगाक्षी भास्कर तुम्हारा लक्षण पूरे वेद को जो है समाहित कर रहा है, तो तुम्हारा लक्षण जो है अविरोधित कैसे हुआ? इनमें तो परस्पर जो है एक वाक्यता नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो ऐसा जो आप कह रही हैं ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। लोगाक्षी भास्कर कहते हैं कि ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तत्रापि माने वहाँ पर भी, कहाँ पर, इस लक्षण में 14 लक्षणों अर्थो धर्म है, इस लक्षण में भी 14 शब्दस्य वेद मात्र परत्वात्, ये जो शब्द है ये केवल एक विधि मात्र को ही नहीं बता रहा, बल्कि यह पूरे वेद को बता रहा है। वेद मात्र परत्वात्, संपूर्ण वेदों को अपने अंदर समाहित किए हुए। क्यों, कैसे मान लें? क्योंकि वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन
धर्म प्रतिपादकत्वात्, क्योंकि संपूर्ण वेदों का जो तात्पर्य है, ठीक है, संपूर्ण वेद जो हैं वो केवल धर्म के अर्थ के रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है। यहां पर ये जो शब्द है ये पूरे वेद के अर्थ में प्रयोग हुआ है, क्योंकि संपूर्ण वेदों का तात्पर्य जो है वो धर्म में है, और ये लक्षण जो है ये धर्म का ही है। मतलब संपूर्ण वेद जो हैं इन वेदों का तात्पर्य भी धर्म है और ये लक्षण भी धर्म का ही है, इसीलिए यह यहाँ पर जो ये चौदना पद है ये केवल एक विधि मात्र को अपने अंदर नहीं समाये हुए बल्कि ये पूरे वेद को अपने अंदर समाये हुए है। इस प्रकार से हम दोनों के लक्षणों में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। धर्म तात्पर्य वचने इन वेदस्य, वेद जो है संपूर्ण वेद उनका तात्पर्य धर्म मात्र है, और धर्म प्रतिपादकत्वात् धर्म का प्रतिपादन करने के कारण समग्र वेद जो है वो धर्म के प्रतिपादन होने के कारण उनके लक्षण में और हमारे लक्षण में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, ठीक है।